वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, ओके। और इसमें हम लोग मेजरली कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोमल डैमेज एंड न्यूक्लियर डैमेज, क्योंकि ये सभी मेजर इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी सेल्स में मेजर इरिवर्सिबल सेल इंजरीज होती हैं और अल्टीमेटली हमारी सेल नेक्रोटिक सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस करती है। तो आइए चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस को समझने से पहले हमको समझना होगा कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, ओके। तो बेसिकली पैथोजेनेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच अ डिजीज और डिसऑर्डर डेवलप्स। मींस पैथोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिजीज या कोई डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, उस स्टडी को ही हम लोग पैथोजेनेसिस बोलते हैं, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस सेल इंजरी, ओके। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज को, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है हमारी सेल का, और हम लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ आवर सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करता है, और यही एटीपी यूटिलाइज होती है एनर्जी की फॉर्म में, जिससे कि काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी सेल में परफॉर्म होती हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल फंक्शनिंग हमारी सेल की मेंटेन रह पाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज होने के कई रीजंस हो सकते हैं। इसमें हमारा जो पहला रीजन है वो है इंक्रीज इन द साइटोसोलिक कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, ओके। तो साइटोसोलिक स्पेस में अगर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सीवियर डैमेज हो जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या आरओ के डेवलपमेंट की वजह से, ओके। बेसिकली जो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज है वो एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से होता है, जो कि एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से ही हमारे जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं वो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो जब एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होंगे तो उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं, और ये हाईली एक्टिव फ्री रेडिकल्स होती हैं जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज को डैमेज करने लगती है, ओके। इसके अलावा जो ऑक्सीजन डिप्लीशन या जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी सेल को, और जो ऑक्सीजन सप्लाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को होती है, अगर उसमें किसी भी तरीके का डिप्लीशन हो जाए तो उसकी वजह से हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज को मेजर डैमेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी का प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं और अल्टीमेटली हमारी सेल नेक्रोटिक सेल डेथ की तरफ बढ़ने लगती है। अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, ओके। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरीके की डेफिशिएंसी आ जाए, कोई टॉक्सिन्स वगैरह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के कांटेक्ट में आ जाए, या कोई रेडिएशन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व करे, तो उस कंडीशन में हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डिसफंक्शन डेवलप होता है। डिसफंक्शन की वजह से जो एटीपी जनरेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में डिप्लीशन होने लगता है, एटीपी का प्रोडक्शन स्लो होने लगता है, ओके। और इसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या जो आरओएस हैं, एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की वजह से बढ़ने लगता है। इसकी वजह से हमारी सेल में मल्टीपल एबनॉर्मैलिटीज डेवलप होने लगती हैं और अल्टीमेटली हमारी सेल नेक्रोटिक सेल डेथ की तरफ प्रोग्रेस करने लगती है, ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिप्लीशन ऑफ एटीपी, ओके। किस तरीके से एटीपी का डिप्लीशन होता है हमारी सेल्स में, ओके। तो हमको जैसे अभी हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया ही एक मेजर ऑर्गेनल है जो कि डेवलप करता है एटीपी को। नाउ अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को या इस फ्लो प्रोसेस को याद कर लें, समझ लें, तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि एटीपी डिप्लीशन की वजह से किस किस तरीके की एबनॉर्मैलिटीज हमारी सेल में डेवलप हो सकती हैं और किस तरीके से हमारी सेल की डेथ हो सकती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्केमिया, ओके। तो बेसिकली जो स्केमिया है वो एक कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से हमारी जो सेल की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम होने लगती है। बेसिकली स्कीमिया इज द कंडीशन ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ओके। अगर ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो ब्लड में जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और द न्यूट्रिएंट्स, उनमें भी डेफिशिएंसी आने लगेगी, और इनकी सप्लाई जिन सेल्स तक होनी है उन सेल्स तक भी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम अमाउंट में पहुंचेंगे। उसकी वजह से हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होगी, और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज करके और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस का यूज़ करके एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। बेसिकली जो एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसका ही कन्वर्जन होता है एटीपी में, ओके। और ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ओके। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी होगी तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो सफिशियंट अमाउंट हमारा जो एटीपी है उसकी नहीं बन पाएगी, इसका डिप्लीशन होने लगेगा, इसकी डेफिशिएंसी होने लगेगी, और इसकी वजह से काफ़ी सारे सेलुलर इवेंट्स हमारे होने लगेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा आता है डिक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम पंप, ओके। सोडियम पंप में
हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो सोडियम पंप्स लगे हुए हैं, ओके, तो ये सोडियम पंप्स क्या करते हैं कि आयंस का एक्सचेंज करते हैं। और अगर ये सोडियम पंप्स को एटीपी या एनर्जी ना मिले तो उस कंडीशन में ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम आयंस का हमारी सेल के अंदर जो इन्फ्लक्स है वो बढ़ने लगता है। ओके, कैल्शियम आयंस का जो कंसनट्रेशन है वो हमारी सेल के अंदर बढ़ने लगता है, वाटर का कंसनट्रेशन बढ़ने लगता है और सोडियम आयंस का कंसनट्रेशन हमारी सेल के अंदर बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो पोटेशियम आयन है तो पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन हमारी सेल के अंदर कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो आयनिक होमोस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं रह पाता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे मेजर डैमेजेस हमारी सेल को होते हैं, जैसे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होने लगती है, हमारी सेल में स्वेलिंग होने लगती है, हमारे जो माइक्रोविलाई हैं उनको डैमेज होने लगता है और हमारी सेल में ब्लिप्स या प्रोजेक्शन डेवलप होने लगती हैं। ओके, नाउ दूसरी कंडीशन अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एटीपी के डिप्लीशन की वजह से जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा तो सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए जो एनारोबिक प्रोसेस है एनर्जी डेवलपमेंट की वो इनिशिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारी सेल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उसमें डिप्लीशन होने लगेगा और जो हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है इसकी वजह से हमारी सेल में लैक्टिक एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होने लगते हैं और जब लैक्टिक एसिड का कंसंट्रेशन सेल साइटोसोल में बढ़ने लगेगा तो उसकी वजह से जो हमारे सेल के अंदर का जो पीएच है ओके वो डिक्रीज होने लगेगा, मींस वो मोर एसिडिक होने लगेगा और जो ये एसिडिक एनवायरनमेंट है या एसिडिक जो साइटोसोल है उसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल है या जो हमारे क्रोमेटिन्स हैं उनमें क्लम्जिंग होने लगेंगे, वो डैमेज होने लगेंगे। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन में हम लोग पहुंचते हैं, एटीपी के डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे राइबोसोम्स हैं वो डिटैच होने लगेंगे। ओके, जो रफ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे वो सेपरेट होने लगेंगे और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्लो होने लगेगी। ओके, क्योंकि राइबोसोम्स ही मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी सेल के अंदर जो कि आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ओके, और इन केस अगर राइबोसोम प्रॉपरली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी और सफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मेजर डैमेजेस हमारी सेल्स को हो सकते हैं। ओके, तो ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो आप पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड लॉस ऑफ कैल्शियम होमोस्टेसिस। ओके, नाउ जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है कि कैल्शियम आयंस के होमोस्टेसिस में डेविएशन होने की वजह से हमारी सेल्स को मेजर इंजरीज होती हैं। ओके, तो हमारी सेल्स में बहुत ही माइनूट अमाउंट में कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, किसी रीजन से ये कंसंट्रेशन बढ़ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल हमारी सेल के कॉन्टैक्ट में आ जाए। ओके, और जो हमारी इस्केमिया की जो कंडीशन है जिसमें कि हमारी रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो रही है और अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सप्लाई भी रिड्यूस हो रही है, तो इन कंडीशंस की वजह से हमारी सेल के अंदर का जो कैल्शियम आयन है उसका जो होमोस्टेसिस है उसमें डेविएशन आ सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डैमेजेस हमारी सेल को होते हैं। जो डैमेजेस हैं उनका जो मेजिक रीजन है वो है द एक्टिवेशन ऑफ द सर्टेन सेलुलर एंजाइम्स। और अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जिनका एक्टिवेशन होता है इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन की वजह से। ओके, अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन को आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से समझना है फ्लो प्रोसेस को। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो कैल्शियम आयन्स हैं, ठीक है, उनका इन्फ्लक्स बढ़ जाता है इंजरीज कंडीशन में, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, और जब इन्फ्लक्स इन कैल्शियम आयंस का बढ़ेगा तो हमारी सेल के अंदर जो कैल्शियम आयंस है उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इसके अलावा हमारी जो सेल है, हमारी सेल में जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर भी काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम आयंस स्टोर्ड होते हैं। कैल्शियम आयंस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डेविएशन होने की वजह से ये जो कैल्शियम आयंस है उनका मूवमेंट हमारे साइटोसोलिक स्पेस में होने लगता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन हमारे साइटोसोल में बढ़ने लगता है और जो होमोस्टेसिस है कैल्शियम का वो बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हमारे सेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इनके एक्टिवेशन की वजह से ही हमारी सेल्स में मेजर डैमेजेस होने लगते हैं। ओके, तो वेरी फर्स्ट एंजाइम इज फॉस्फोलाइपेज एंजाइम। ओके, तो जो फॉस्फोलाइपेज है बेसिकली वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स को डिप्लीट करने लगता है या डैमेज करने लगता है। ओके, जिसकी वजह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है तो अल्टीमेटली हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होने लगती है। ओके, जो दूसरा हमारा एंजाइम है दैट इज प्रोटीएज, तो जो प्रोटीएज एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सेल के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए और इसके अलावा जो हमारा सेल का जो साइटोस्केलेटल है उसको डैमेज करने के लिए। ओके, जिसकी वजह से जो फिजिकल या जो मॉर्फोलॉजी हमारी सेल की है वो बिगड़ने लगती है। ओके, और जो स्ट्रेंथ हमारी सेल की है वो वीक होने लगती है और अल्टीमेटली ये कंडीशन हमारी सेल को सेल डेथ की तरफ लेके जाती है।
इसके अलावा जो हमारा तीसरा एंजाइम है वो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और जो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर डैमेज के लिए। ओके, तो जब न्यूक्लियस हमारा डैमेज हो जाएगा तो जो हमारे डीएनए है तो वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हमारी सेल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे और नेक्रोटिक सेल डेथ की तरफ वो बढ़ने लगेगी। ओके, और इसके अलावा एक और एंजाइम यहाँ पर हमारे पास, दैट इज एटीपेज एंजाइम। ओके, तो जो ये एटीपेज एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के ब्रेकडाउन के लिए। ओके, तो ये एटीपेज एंजाइम के कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो एटीपी है, एटीपी का ब्रेकडाउन एडीपी में होने लगता है। ओके, जिसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है एटीपी की फॉर्म, उसमें कमी आने लगती है, डेफिशिएंसी आने लगती है, और अल्टीमेटली हमारी सेल्स के कुछ ऑर्गेनल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं एटीपी के डिप्लीशन की वजह से। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स, और कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सेल के डैमेज में और हमारी सेल के डेथ में। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। ओके, और दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, हमारी सेल के जो फ्री रेडिकल हैं अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए, या जो उनकी स्केवेंजिंग है या जो उनका न्यूट्रलाइजेशन है, अगर हमारी सेल उसको प्रॉपरली ना करवाए तो वो फ्री रेडिकल भी काफ़ी मेजर डैमेजेस हमारी सेल्स को कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है जिनको कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो डैमेज कर सकते हैं। वो हमारे प्रोटीन्स हो सकते हैं, ये प्रोटीन में डिनेचुरेशन ला सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। ओके, लिपिड्स को डैमेज कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डैमेज कर सकते हैं, और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लिक एसिड्स को भी, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये उसको भी डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो ये फ्री रेडिकल्स हैं इनका हमारी बॉडी में जनरेशन किस तरीके से होता है, मींस ये किस तरीके से हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में लगातार बनते जाते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी ही खुद इन फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से रिमूव भी करती जाती है। ओके, तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जनरेशन किस तरीके से इन फ्री रेडिकल्स का डेवलपमेंट हमारी बॉडी के अंदर होता है। ओके, तो जो पहला हमारा जो फैक्टर है दैट इज रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, तो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चल रही है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही हैं, तो उनकी वजह से ये जो फ्री रेडिकल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कोई रेडिएंट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, ठीक है, एक्सरेज हो गया, या रेडियो एक्टिव रेडिएशन हो गया, इनकी वजह से भी ये रिएक्टिव स्पीसीज डेवलप हो सकती हैं। और जो हमारी ल्यूकोसाइट्स, ओके, तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस के ड्यूरेशन में भी इन फ्री रेडिकल्स को डेवलप करती हैं, जो हमारा हार्मफुल स्टिमुलाई आया है उसको डैमेज करने के लिए। ओके, नाउ इसके अलावा जो भी एक्सोजीनसली केमिकल्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या जिस भी ड्रग्स को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उनके एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से भी ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में डेवलप हो सकते हैं। ओके, और जो हमारा अगला फैक्टर है वो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे कि हमारे आयरन और जो कॉपर हो गए, ठीक है, ये भी डेवलप कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स को। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं दैट कैन डेवलप दी फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी, बट इनके डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी बॉडी इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव भी करती चली जाती है। ओके, नाउ लेट डिस्कस द रिमूवल ऑफ द फ्री रेडिकल। ओके, तो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हमारी सेल इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है। तो वेरी फर्स्ट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसमें हमारे जैसे लिपिड सॉल्युबल विटामिन ई हो गए, विटामिन ए हो गया, स्कॉर्बिक एसिड एंड द ग्लूटाथायोन। ओके, ये क्या करते हैं कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसफेरिन हो गया, फेरिटिन हो गया, लैक्टोफेरिन हो गया, ओके, इस तरीके के काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं जो कि जो फ्री आयरन और जो कॉपर हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनके रिमूवल का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स की जो स्केवेंजिंग है, ठीक है, इनके जो डिस्ट्रॉइंग है वो जो कैटालेज एंजाइम है ये भी इनके स्केवेंजिंग या इनके डिस्ट्रॉय का काम करता है। इसके अलावा सुपर ऑक्सीडेज डाई म्यूटेज एंजाइम, जिसको शॉर्ट SOD बोला जाता है। ओके, तो ये एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होता है इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा ग्लूटाथायोन पिरोक्सीडेज एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में जो डेवलप हुए हैं फ्री रेडिकल उनको रिमूव करने के लिए। इन केस अगर इस प्रोसेस में किसी तरीके की इंबैलेंसिंग हो जाए तो वहां पर फ्री रेडिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, और उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन की वजह से हमारी सेल्स डैमेज होने लगती हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इन ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स का एक्यूमुलेशन हमारी सेल के अंदर होता है। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई भी रेडिएशन हो गया, टॉक्सिन हो गया, ओके, या रिपरफ्यूजन जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और इन फ्री रेडिकल्स का कन्वर्जन अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जो SOD है, सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज जो एंजाइम है वो इनका न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है। इसके अलावा जो H2O2 प्रोड्यूस हुआ है, अगर इस H2O2 का डिकम्पोजिशन ना किया गया वाटर में तो ये H2O2 का कन्वर्जन भी हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स में हो जाता है। ओके, तो H2O2 ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका जो डिकम्पोजिशन है उसको करता है ग्लूटाथायोन पिरोक्सीडेज एंड हमारा जो कैटालेज एंजाइम है।
ओके। और इसके अलावा इन केस अगर ये एंजाइम्स, ये जो स्केवेंजिंग एंजाइम्स अगर प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाएँ, अगर ये फ्री रेडिकल्स को रिमूव ना कर पाएँ, तो उस कंडीशन में ये जो हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स डिवेलप होते हैं ओके हमारे माइटोकॉन्ड्रियंस में, तो ये काफ़ी सारे हमारे प्रॉब्लम कॉज करते हैं। जो पहली कंडीशन हमारी है, ये लिपिड का पेरोक्सीडेशन कर देते हैं, ये लिपिड को डैमेज कर देते हैं, और लिपिड के डैमेज की वजह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन में डैमेज होने लगता है। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन हमारी है, दैट इज़ प्रोटीन मोडिफिकेशन, ठीक है। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी ये फ्री रेडिकल्स मोडिफिकेशंस ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होने लगता है और उनके जो फोल्डिंग की जो प्रोसेस है वो गलत तरीके से होने लगती है, यानी कि मिसफोल्डिंग होने लगती है, और जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और जो तीसरी हमारी कंडीशन है जो कि डेवलप होती है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से, वो है डीएनए डैमेज, ओके। तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे डीएनए में किसी भी तरीके के म्यूटेशंस या अल्टरेशंस हो सकती हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो डीएनए मटीरियल है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली हमारी वो और अल्टीमेटली वो कंडीशन सेल इंजरी और सेल डेथ की तरफ लेके जाती है, और ये फ्री रेडिकल डेवलप होने की वजह से, ओके स्टूडेंट्स। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन डैमेज, किस तरीके से हमारी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। अभी जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने के जो मेजर रीजंस हैं वो ROS यानी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या फ्री रेडिकल्स हैं, ओके। इसके अलावा और भी हमारे पास प्रोसेसेस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन में डैमेज हो जाता है। जो हमारा फॉस्फोलिपिड्स है उनका सिंथेसिस अगर किसी रीजन से स्लो हो जाए या कम हो जाए, ओके, जो फॉस्फोलिपिड्स का जो ब्रेकडाउन है, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, हाइपर एक्टिवेशन उनका हो जाए, तो उसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी सेल मेम्ब्रेन कमजोर होने लगती है और वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसके अलावा जो साइटोस्केलेटल है, अगर उसमें किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटी आ जाए या अगर हमारा साइटोस्केलेटल डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी या हमारी सेल की डेथ हो सकती है, ओके। अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान से देखिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर O2 ऑक्सीजन सप्लाई में डिप्लीशन होने लगे तो उसकी वजह से ATP प्रोडक्शन हमारा स्लो हो जाता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है। जब ATP प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा तो उसकी वजह से फॉस्फोलिपिड्स की जो रीएसाइलेशन की जो प्रोसेस है या जो सिंथेसिस की प्रोसेस है, वो प्रोसेस स्लो हो जाती है, ओके। और इसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं उनका भी डेवलपमेंट साइड बाई साइड हमारी बॉडी में हो रहा है, अगर हम लोगों की इनकी रिमूविंग ना करें तो ये क्या करते हैं, लिपिड पेरोक्सीडेशन करते हैं, और जिसकी वजह से लिपिड्स का ब्रेकडाउन होने लगता है। और इसके अलावा अदर कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, जो साइटोसोलिक हमारा कैल्शियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे एंजाइम्स हैं, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स, जो फॉस्फोलाइपेज जो एंजाइम्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ये फॉस्फोलिपिड का डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन करने लगते हैं, ओके। तो ये कंडीशन भी सेल डैमेज की तरफ लेके जाती है। और इसके अलावा जो प्रोटीज एंजाइम्स हैं, तो प्रोटीज एंजाइम्स वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइटोस्केलेटल डैमेज, तो साइटोस्केलेटल भी हमारा डैमेज होने लगेगा। और ये सभी कंडीशन अल्टीमेटली किस तरफ हमारी सेल को लेके जाएंगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज की तरफ, ओके। क्योंकि ये सभी इवेंट्स या जो कंडीशंस हैं उनका डायरेक्टली रिलेशन है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। अगर इन प्रोसेसेस में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या गड़बड़ी डेवलप हो जाए, तो उस कंडीशन में अल्टीमेटली हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें डैमेज होने लगेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखना है कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज किस तरीके से सेल इंजरी के ड्यूरेशन में हमारे सेल्स के अंदर होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डैमेज। अभी जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको डैमेज करने के कई फैक्टर्स हो सकते हैं। इन फैक्टर्स में पहला फैक्टर हमारा हो सकता है जो हमारा कैल्शियम आयन है, उसका जो होम्योस्टेसिस है, वो होम्योस्टेसिस खराब होने की वजह से, कैल्शियम आयन का साइटोसोलिक स्पेस में बढ़ने की वजह से, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है जो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कहलाता है, ओके, तो ये एंडोन्यूक्लियर एंजाइम हमारा जो न्यूक्लिक मटेरियल है उसको डैमेज करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था जो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज हैं, ROS जिनको बोला जा रहा है, या जो फ्री रेडिकल्स हैं जिनका डेवलपमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली हो रहा है हमारी सेल के अंदर, और अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं इनको हमारी सेल के अंदर डेवलप करने वाले, ओके। तो जब ये फ्री रेडिकल डेवलप होंगे तो ये फ्री रेडिकल क्या करेंगे, हमारे जो डीएनए है डीएनए को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से जो म्यूटेशंस हैं वो हमारे डीएनए या न्यूक्लिक मटेरियल में होने लगते हैं और हमारी सेल प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द मेजर रीजन ऑफ आवर डीएनए डैमेज। और क्योंकि जो हमारा न्यूक्लिक मटेरियल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सेल की लाइफ साइकिल में, तो अगर उसमें किसी तरीके का डैमेज हो गया तो अल्टीमेटली हमारी सेल सर्वाइव नहीं कर पाती है और उसकी नेक्रोटिक डेथ हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द सेल इंजरी, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज,
एंड सेल मेम्ब्रेन डैमेज। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दैट आई वॉज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट या कन्फ्यूजन आपके पास है तो आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो इस पीपीटी का जो डाउनलोड लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो चाहे तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।